नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी माहौल में हम सब ने राष्ट्रवाद की हवा देखी, जिसके चलते देश में मोदी 2.0 की सरकार बनी और अब सत्ता पर आसीन होते ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहां बात सेना की आती है, देश की आती है, वहां मोदी सरकार कोई कोताही नहीं बरतती है। सेना की हर एक जरूरत का ख्याल रखना पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। तभी तो साल 2008 से 2013 की तुलना में रक्षा मंत्रालय ने 2013 से 2017 के बीच 24% ज्यादा हथियार खरीदे, जिसके चलते भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए 110 फाइटर जेट और नौसेना के लिए 57 लड़ाकू विमान की खरीद होने वाली है। और ऐसे में सामने आकर अमेरिका अपना एक और लड़ाकू जेट भारत को चिपकाना चाह रहा है। जी हाँ, लड़ाकू फाइटर F-35 के पीछे क्या है अमेरिका की नई चाल, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। आखिर क्यों ट्रंप सरकार भारत को F-35 फाइटर जेट बेचना चाहती है? लड़ाकू विमान की आड़ में क्या है अमेरिका के मंसूबे, ये बताने के लिए आपको लेकर चलते हैं उस वक्त में जब मोदी सरकार ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर मोहर लगाई थी। भारत रूस के इस रक्षा समझौते पर अमेरिका इस कदर तिलमिलाया था कि उसने ना सिर्फ इस सौदे पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की थी, बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने के भी इशारे दिए थे। लेकिन अमेरिका की तमाम बातों की परवाह किए बिना मोदी सरकार ने अपनी दोस्ती दिखाते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के सौदे पर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यहाँ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया। जब अमेरिका ने देखा कि धमकियों से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसने भारत के सामने दाना डालना शुरू कर दिया। असल में F-35 की खरीद के लिए भारत ने ना तो आधिकारिक निवेदन किया है और ना ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव दिया है। लेकिन खबर है कि पर्दे के पीछे अमेरिका भारत को F-35 विमान जबरदस्ती थमाना चाहता है। इस एयरक्राफ्ट को एकमात्र ऐसे एयर प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है जिससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो अपने आधुनिक लड़ाकू एयरक्राफ्ट को वहां उड़ने नहीं देगा जहाँ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। ऐसे में भारत को रूस की S-400 की डील से दूर करने के लिए अमेरिका ने अपना F-35 लड़ाकू विमान का जाल फेंकना चाहता है। कहा जा रहा है कि अगर भारत रूस के बीच अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील रद्द होती है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका भारतीय वायुसेना और नौसेना को F-35 फाइटर जेट दे सकता है। लेकिन अगर मोदी सरकार अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदती है, तो क्या इसमें भारत को नुकसान होगा या फिर फायदा, अब ये हम आपको बताते हैं। तो इस डील में अमेरिका का एक क्लॉज है, जब चाहे वो वेपन को देख सकते हैं जिससे हमारी सामरिक सुरक्षा खतरे में आ सकती है। अमेरिका एक पुर्जा भी देता है तो 3 बार उसे चेक करने आता है, 10 बार चेक करता है। डीआरडीओ की माने तो अमेरिका इसकी क्रिप्टोलॉजिकल की नहीं देता है, और ऐसे में जेट हमारे पास होते हुए भी उसकी चाबी अमेरिका के पास होती है। अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कितने ही मजबूत हो जाएं, कितने ही दोनों देश पास आ जाएं, लेकिन हमसे ये उम्मीद ना कीजिए कि हम रूस की तरह आपको न्यूक्लियर सबमरीन, टैंक, 5th जनरेशन जेट और जो भी वेपन आप मांगेंगे वो हम आपको देंगे, और वो भी बिना किसी शर्त के। वहीं रूसी जेट मैनुअल जेट पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ज्यादा पायलट फ्रेंडली होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जेट ज्यादा टेक्निकल होते हैं।
इसकी एक खराबी ये है कि ये विमान पायलट फ्रेंडली ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए अमेरिकन जेट ज़्यादा महंगे होते हैं। और अगर भारत इसमें अपग्रेड की बात करेगा तो अमेरिका इसमें भी अड़ंगा लगाएगा, और इस जेट में हम अपने हिसाब से वेपन भी फिट नहीं कर सकते हैं, और इसमें पुर्जों के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसकी कीमत करीब 3500 करोड़ रुपए प्रति विमान बताई जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। एक तरह से देखें तो अमेरिका अपना F-35 विमान भारत सरकार को थोपना चाहता है ताकि रूस से उसकी S-400 डील खत्म हो जाए। अब ये तो मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों में है कि वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी देते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि हथियार खरीदने की होड़ में हमें देश की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है जो पूरी तरह कंगाल हो चुका है। एशिया दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Your Excellency, my friend President Soli, ladies and gentlemen, मुझे खुशी है कि मेरे दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर आपके सुंदर देश मालदीव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह और भी खुशी की बात है कि आप जैसे करीबी दोस्त से एक बार फिर मिलने का मौका भी मुझे मिला। इस अवसर के लिए और आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए अपनी टीम और अपनी ओर से मैं आपको और मालदीव सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे देशों ने थोड़े दिनों पहले ही ईद का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस पर्व का प्रकाश हमारे नागरिकों के जीवन को हमेशा आलोकित करता रहे। एक्सलेंसी, आज मुझे मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके आपने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक नया गौरव दिया है। निशान इज्जुद्दीन का सम्मान मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। यह मेरा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच मित्रता और घनिष्ठ संबंधों का सम्मान है। मैं इसे बड़ी विनम्रता और आभार के साथ सभी भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। यह अटूट मित्रता मुश्किल समय में भी हमारी मार्गदर्शक बनी है। सन 1988 में बाहरी हमला हो या सुनामी जैसी कुदरती आपदा या फिर हाल में पीने के पानी की कमी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। फ्रेंड्स, भारत में संसदीय चुनाव और मालदीव में राष्ट्रपति और मजलिस के चुनावों के जनादेश से स्पष्ट है कि हमारे दोनों देशों के लोग स्थिरता और विकास चाहते हैं। ऐसे में पीपल सेंट्रिक और समावेशी विकास तथा सुशासन की हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने अभी राष्ट्रपति सोली के साथ बहुत विस्तृत और उपयोगी विचार विमर्श किया।
हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हमारी द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की है। हमारी साझेदारी की भावी दिशा पर हमारे बीच पूर्ण सहमति है। राष्ट्रपति सोली, आपके पद ग्रहण करने के बाद से द्विपक्षीय सहयोग की गति और दिशा में मौलिक बदलाव आया है। दिसंबर 2018 की आपकी भारत की यात्रा ने दौरान लिए गए निर्णयों को ठोस और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सोली की भारत यात्रा के दौरान घोषित 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय पैकेज से मालदीव की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई है, साथ ही सोशल इंपैक्ट के कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और 800 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विकास कार्यों के नए रास्ते भी खुले हैं। भारत और मालदीव के बीच विकास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमने मालदीव के आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज हमारा द्विपक्षीय सहयोग मालदीव में सामान्य जनजीवन के हर पहलू को छू रहा है। विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था, छोटे और लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था, बंदरगाहों का विकास, कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस सेवा, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आउटडोर फिटनेस उपकरण की व्यवस्था, ड्रग डिटॉक्स सेंटर, स्टूडेंट फेरी, कृषि और मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन, ऐसे अनेक भारतीय सहयोग के प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है। हम अडू में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ऐतिहासिक फ्राइडे मॉस्क के कंस्ट्रक्शन पर सहयोग के लिए भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम भारत में कोची और मालदीव में कुल्दुफुशी और माले के बीच नौका सेवा शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। मालदीव में रुपे कार्ड जारी करने से भारतीय टूरिस्ट की संख्या में और वृद्धि होगी। इस बारे में हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। आज हमने संयुक्त रूप से मालदीव डिफेंस फोर्सेज के कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर और तटीय निगरानी की रडार प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये मालदीव की समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाएगा। भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। हम एक दूसरे के साथ एक गहरी और मजबूत साझेदारी चाहते हैं। एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मालदीव पूरे क्षेत्र के हित में है। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारत मालदीव की हर संभव सहायता करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति और मालदीव के लोगों को गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत मालदीव दोस्ती अमर रहे। दिवे ही राज्य आ इंडिया गे राम मैथेरिखन अबद्ध। धन्यवाद।